हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल को कलर्स मेक्स योर लाइफ ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, मैं पहला माफ़ी चाहती हूँ सब लोगों को। मैं आजकल वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा हाउस शिफ्टिंग का काम चल रहा था। मैं आपसे कोशिश करती हूँ आपको एवरी सैटरडे नहीं तो संडे आपको कुछ नया सा वीडियो लाने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीक मैं आपको सिखाने वाली हूँ फैशन इलस्ट्रेशन का डिज़ाइंस कैसे बनाना। पहला मैं आपको समझाती हूँ फैशन इलस्ट्रेशन का मतलब फैशन और इलस्ट्रेशन दो डिफरेंट वर्ड्स है, उसको मिलाकर होगा फैशन इलस्ट्रेशन। पहला मैं आपको डिफाइन करती हूँ दोनों को भी कैसे मिलाकर फैशन इलस्ट्रेशन डिज़ाइन बनेगा। पहला फैशन का मतलब है रोज़ नया मार्केट में कुछ नया भी ट्रेंडी सा आया तो उसको हम फैशन बोलते हैं। जैसे कि फैशन मतलब बैग्स में रहे और एक्सेसरीज में रहे और ड्रेसेस में रहे, कुछ भी नया मार्केट में आएगा तो उसको हम फैशन बोलते हैं। और इलस्ट्रेशन मतलब है हम हमारी आइडियाज़, मतलब हमको हम सोचे होंगे ऐसा वाला ड्रेस चाहिए, हमको ऐसा कलर में चाहिए और इस ड्रेस को ऐसा वाला एक्सेसरीज मैच होगा, ऐसा वाला स्लीपर्स मैच होगा, हम ऐसे सोचेंगे ना, उसको हम ड्राइंग के रूप में पेपर में कुछ भी स्केच करेंगे और उसको कलर कर हम बताएंगे, हम दूसरों को ऐसे ड्राइंग के मतलब हम स्केच कर बताएंगे ना, उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस दोनों को मिलाकर होगा फैशन इलस्ट्रेशन। अब मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको बेसिक फैशन इलस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप। फैशन इलस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। बेसिक पेंसिल, इरेजर और लॉन्ग स्केल और शॉर्ट स्केल शार्पनर ऐसा चाहिए आपको। कुछ भी कलरिंग का मीडिया चाहिए, जैसे कि स्केच पेंस लिया हूँ आज और शाइनिंग पेंस लिया हूँ और पेंट भी लिया हूँ मैं। मैं आज बेसिकली सिखाने वाली हूँ इसलिए डिफ्रेंशिएट आपको दिखाने के लिए लाइन्स में नहीं तो कर्व्स में स्केच पेन यूज़ करने वाली हूँ मैं। पहले आप स्केल लीजिए और पेंसिल लीजिए और इंचेस में देखिए फ्रेंड्स, इंचेस में आप 10 इंच फ्रेंड्स, उसको भी हम लाइन बनाया। देखिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में आप सेकंड पॉइंट पर स्केल रखिए, स्केल को ऐसे रखिए। ऐसे रखने के बाद 1 इंच में सेंटर लीजिए, सेंटर से 4 पॉइंट्स और ऐसे सेंटर से 4 पॉइंट्स लीजिए, तब ऐसा बनेगा आपको। फिर से फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच में आपको कुछ सेंटर आएगा, उसमें आप फिर से पॉइंट लगा दीजिए। फिर से यहाँ से आप मार्क कर आप ऐसे देख सकते हो फ्रेंड्स। मैं फिर से ऐसे रख कर दिखाती हूँ आपको, और ए सेकेंड और थर्ड पॉइंट का सेंटर में आप 1 इंच के बाद 4 पॉइंट्स और 1 इंच के बाद 4 पॉइंट्स और वैसे लगा कर आप पॉइंट बना सकते हो, जैसे कि ऐसे पॉइंट बना सकते हो। और एक्स्ट्रा आएगा तो भी नो टेंशन, आप फिर से रब कर सकते हो, जैसे कि आप पूरा डिज़ाइन होने के बाद। अभी करेक्टली आप फोर्थ पॉइंट को लीजिए, फोर्थ पॉइंट में करेक्टली ऐसे 1 इंच मार्क कीजिए फ्रेंड्स, ऐसे 1 इंच मार्क कीजिए। अब उसको भी लाइन बना दीजिए आप, अब उसको भी लाइन में बदल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपको मिलेगा। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट में मार्क किया, सेकंड पॉइंट में मार्क किया, सेकेंड और थर्ड पॉइंट में मार्क किया, उसके बाद करेक्टली फोर्थ पॉइंट में हम 1 इंच मार्क लगाया। अभी हम आप देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ में सेंटर लीजिए, स्केल की वजह से लीजिए। मैं एक्सपीरियंस हूँ डिज़ाइन बनाकर इसलिए मैं अंदाज से ले रही हूँ, मतलब मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, आप स्केल की सहायता से लीजिए। देखिए फिफ्थ और सिक्स के बीच में एक लाइन फ्रेंड्स, उसको भी हम लाइन बनाया। देखिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में आप सेकंड पॉइंट पर स्केल रखिए, स्केल को ऐसे रखिए। ऐसे रखने के बाद 1 इंच में सेंटर लीजिए, सेंटर से 4 पॉइंट्स और ऐसे सेंटर से 4 पॉइंट्स लीजिए, तब ऐसा बनेगा आपको। फिर से
फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच में आपको कुछ सेंटर आएगा, उसमें आप फिर से पॉइंट लगा दीजिए, फिर से यहाँ से आप मार्क कर आप ऐसे देख सकते हो फ्रेंड्स। मैं फिर से ऐसे रख कर दिखाती हूँ आपको, और ए सेकंड और थर्ड पॉइंट का सेंटर में आप 1 इंच के बाद 4 पॉइंट्स और 1 इंच के बाद 4 पॉइंट्स वहाँ से वैसे लगा कर आप पॉइंट बना सकते हो, जैसे कि ऐसे ऐसे पॉइंट बना सकते हो। और एक्स्ट्रा आएगा तो भी देखिए फ्रेंड्स ऐसा आपको मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में मार्क किया, सेकंड पॉइंट में मार्क किया, सेकंड और थर्ड पॉइंट में मार्क किया, उसके बाद करेक्टली फोर्थ पॉइंट में हम 1 इंच मार्क लगाया। अभी हम आप देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ में सेंटर लीजिए, स्केल की वजह से लीजिए। मैं एक्सपीरियंस हूँ डिज़ाइन बनाकर इसलिए मैं अंदाज से ले रही हूँ, मतलब मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, आप स्केल की सहायता से लीजिए। देखिए फिफ्थ और सिक्स के बीच में एक लाइन, अब वहाँ को भी लाइन में बना दिया। अभी आपको क्या चाहिए, अब सिक्स पॉइंट में भी ऐसा ही सिमिलर परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसको भी हम परपेंडिकुलर लाइन में बनाना है हम। देखिए फ्रेंड्स अब अभी हम पूरा मार्किंग्स किया है, मैं बताती हूँ क्यों हम मार्क किया है। इफ सेकंड पॉइंट में हम क्यों मार्क किया है, नेक की मेजरमेंट जैसा सेकंड और थर्ड के बीच में हम मार्क किए ना, उसको शोल्डर की जैसे हम मार्क किए, और फोर्थ पॉइंट में हम क्यों मार्क किए कि जैसे कि हमको इप लगे। फोर्थ और सिक्स्थ में हमने क्यों मार्क किया कि हमको नीज़ के, और यहाँ से हम 10 तक क्यों मार्क किया कि जैसे कि डाउन पार्ट है ये आकर हमको नीज़ बनेगा। मैं आपको अभी पूरा जोड़कर मैं बताती हूँ कैसे हमने इसको पूरा एक इलस्ट्रेशन मतलब बॉडी का जैसे हम दिखाने की स्टेप में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको बॉक्स जैसा मैं बना दिया क्योंकि हेड आना है ना इसको, इसलिए हमको, और सेकंड पॉइंट यहाँ है ना, इसको हम ऐसे ले लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे आप कर्व शेप ले लीजिए नेक की तरह, कर्व शेप के लेने के बाद इस पॉइंट को जॉइन कीजिए, इसको भी आप ऐसे ही कर्व पॉइंट्स लेकर इस पॉइंट को हम ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद इस पॉइंट से थोड़ा ऐसे आप स्ट्रेट लाइन और यहाँ कर्व कीजिए ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स ऐसे थोड़ा लीजिए आप और ऐसे कर्व लीजिए आप जैसे कि आप स्केल से ही ऐसे यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं रफली आपको दिखा रहा हूँ, मैं आप पेशेंसली आप यूज़ कर आप बता सकते हो ऐसे। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको करेक्टली आया होगा, अब मैं पूरा उसको और एक बार दिखा रहा हूँ। अब इस पॉइंट्स को आप इसे जॉइन कर दीजिए, अब यहाँ से ऐसे ही आकर इसको ऐसे जॉइन करना पड़ेगा, इसको ऐसे जॉइन कीजिए। एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो हम बाद में हम उसको अरेज कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लाएंगे फ्रेंड्स, मतलब देखिए फ्रेंड्स ऐसे लाएंगे, आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स। अब मैं हाथ दिखाने वाली हूँ आपको, इस पॉइंट से यहाँ तक 1 इंच और यहाँ से यहाँ तक
आप 1.5 इंच ले सकते हो, जैसे कि मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, स्केल को ऐसे रखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच, आप यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच। आप जैसे कि हाथ आपको ऐसा कौन सा स्टाइल में चाहिए वैसा आप हाथ को आप मेजरमेंट कर सकते हो, जैसे कि 1 इंच यानी तो 1.5 इंच में रहेगा। अब मैं इसको शेप करने के लिए ऐसे दिखाने वाली हूँ, ऐसे सिर्फ ऐसे मार्क करने वाली हूँ मैं। इसको भी देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लेकर ऐसे कर ऐसे मार्क करने वाली हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे मार्क किया हूँ। अब कौन से कुछ भी एक्स्ट्राज रहे, कुछ भी रहे, ऐसे ऐसे इरेज कर दीजिए आपको। मैं अभी पूरा पूरा लाइंस अरेज करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसा ए लाइंस एक्स्ट्रा लाइंस पूरा अरेज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पूरा लाइंस अरेज होने के बाद आपको ऐसे दिखेगा। अब इसको एड शेप बना सकते हैं हम। अब इसको भी एक्स्ट्रा लाइंस हम अरेज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसको बेसिक स्केच करती हूँ ड्रेस का। जैसे कि हम यहाँ नेक बना सकते हैं। इस ड्राइंग का इलस्ट्रेशन का नाम है फ्लैश जैसा। मैं दूसरा भी दिखाती हूँ आपको, क्रोकी कैसे बनाते हैं। अब इस फ्लैश ड्राइंग में हम कैसे ड्रेस बनाना, मैं अभी सिखाती हूँ आपको ड्रेस का डिज़ाइन, बेसिक ड्रेस का। अभी देखिए फ्रेंड्स, नेक की पार्ट में हम कौन सा भी वी शेप चाहिए, नहीं तो बॉक्स शेप चाहिए, नहीं तो लीफ शेप चाहिए, आप ऐसे रख सकते हो। मैं जैसे कि अभी मैं ऐसा लीफ की तरह एक नेक दे रहा हूँ मैं उसको। और आप इसको ऐसे लीजिए, मतलब यहाँ से देखा ना फ्रेंड्स, मैंने ऐसे 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 मार्क किया हो ना उसको, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको हैंड का शोल्डर मिलेगा, स्लीव की तरह जैसे कि हम आपको लगेगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसा। अब उस यहाँ लीजिए और टॉप के जैसे आप ऐसे बनाइए फ्रेंड्स, और उसको ऐसे ही रख कर दीजिए। और यहाँ आप एक फूल बनाइए। कौन से भी डिज़ाइन चाहिए तो आप बना सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अभी असिमेट्रिकल डिज़ाइन बना रहा हूँ, जैसे कि पूरा डिज़ाइन सेम नहीं रहेगा, कुछ भी डिज़ाइन वो मिसमैच रहेगा, जैसे कि असिमेट्रिकल डिज़ाइन बोलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स ऐसा। और यहाँ कुछ ऐसा लीव्स जैसा बना सकते हो आप। डिज़ाइंस विल नॉट बी सेम, इट्स नोन एज असिमेट्रिक डिज़ाइन फ्रेंड्स। अब इसको ऐसे बना दीजिए। और यहाँ पैंट की जैसे हमने बनाया ना, इसलिए आप टॉप को यहाँ तक भी ला सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉप में दो फ्रिल्स है, वन फ्रिल यहाँ और वन फ्रिल यहाँ है। और पैंट को कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक पॉकेट लगाइए और क्रिस क्रॉस कीजिए, जिसकी पॉकेट की तरह
यहाँ अगर थोड़ा सा आप एरेज कर कर ऐसे आप डिफरेंशिएट लेग्स को, दो डिफरेंट लेग्स को आप दिखा सकते हो, जैसे कि वन शू ऐसा है, वन शू ऐसा है, और हाथ मैंने बताया ना, अब मैं आपको यहाँ से एक है ना, यहाँ से ऐसे लीजिए, ऐसे आप, मैं आपको मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आप ऐसे ऐसे लीजिए, और कभी भी ऐसे ऐसे लेने के बाद इसको ऐसे ऐसे मैच कीजिए। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, यहाँ लेने के बाद हमने ऐसे किया था ना, आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स। अब फिर से यहाँ से लीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए। हम यहाँ हैंड मतलब पाम को नहीं दिखा सकते, जैसे कि हम ड्रेस में और ड्रेस की बैक से रहने जैसे दिखा सकते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ भी लाइन को, एक्स्ट्रा लाइंस को रब कर सकते हैं और हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं हम। अब मैं उसको कलरिंग करने के बाद दिखाती हूँ फ्रेंड्स कैसा लगेगा। पूरा स्केचिंग कलरिंग करने के बाद ऐसा दिखेगा। मैं जैसे कि आपको बताया, यहाँ एक फ्रिल है और यहाँ एक फ्रिल है, इसलिए दो फ्रिल जैसे बनाया, और असिमेट्रिकल डिज़ाइन है टॉप में, इसलिए मैंने फ्लावर्स कुछ कुछ प्लेस में फ्लावर्स बनाए हूँ, कुछ कुछ प्लेस में मैंने ग्रीन कलर यूज़ करके डिफ्रेंशिएट किया हूँ। पैंट में रेड कलर पैंट दिया हूँ, कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा, और शूज़ में ब्राउन कलर दिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स ऐसा दिखेगा। अब ऐसे ही मैंने थोड़ा रेफरेंस के लिए बनाया और वो उसको मैं आपको लिंक कर देखा ना फ्रेंड्स आपने। अब मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ